व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं संबित पात्रा की थग लाइफ फनी मोमेंट्स। तो हमें काफी लोग कह रहे थे कि इनकी भी जो वो होती है ना कहने की जो क्षमता है एक नंबर, मतलब जैसे बोलते हैं जवाब देते हैं, हां क्षमता गलत वर्ड है। मैं कह रहा था कि जो बैठती ऑन द स्पॉट जो रिप्लाई करते हैं बहुत गजब होते हैं। और मिस्टर पांडा ओरिजिनल चैनल से है वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और बता सकते हैं और किन की वीडियोस पे हम रिएक्ट करें। तो करें शुरू, 1 2 3 गो। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आपने कहा कि हमने झंडा उठाया है, अमीश भाई आपके दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, सुप्रिया जी के दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, मगर एंटोनियो माइनो के पिताजी और दादाजी ने नहीं सुनिए एक सेकंड, एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया। थोड़ा सोनिया जी को जाके हिंदी सिखाइए, मेरा भारत का निवासी ऐसा हिंदी पढ़ने आता नहीं है, हम बने हैं अंग्रेज के एजेंट। कैसे कर दे, लिसन टू दिस मिस्टर केजरीवाल, प्लीज लिसन टू दिस व्हाट मिस्टर सिद्धू हैड फॉर यू। ही इज अग, एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फल नाल, खेत उपज नाल, इंसान अपने कर्म दे नाल जाना जाता है। दसो मैं की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार, केजरू यार हाँ मेरा यार है केजरीवार, हाँ मफलर पाके तू तो खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा, बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। दिस इज द एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू फॉर केजरीवाल। मिस्टर केजरीवाल बिफोर यू सैल्यूट मिस्टर सिद्धू, आई विल सेंड दिस एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू टू यू, प्लीज गो थ्रू दिस। जितनी भी डिबेट होती है बहुत ही गजब होती है। तो क्या है विश्व भ्रमण कर लिया क्या इस देश के उस बड़े मुद्दे को, जहाँ हजारों लोगों की मौलाना उस मुद्दे को जो इस देश का गाली हो चुके हैं, शिशुपाल मत बनो, जो देश को पूरे शिशुपाल मत बनो मौलाना, चाहते हैं मौलाना गाली दी रहे मौलाना 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, गोकू बन गए। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही बनेगा मौलाना, मौलाना मंदिर वही बनेगा मौलाना, बैठ जा मैं नहीं सुनता, मंदिर वही बनेगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, पात्रा से गुजारिश करता हूँ, आजादी में देश के खिलाफ गद्दारियां करते हुए अंग्रेजों के साथ, जंगे आजादी आ गया इनका, जंगे आजादी बड़ा, जंगे आजादी में तलवार उठा के सोनिया गांधी झूमरी तलैया से लड़ रही थी। गाड़ी गाड़ी भाई, देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी और मैं बहुत शांति से बात कर रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी, मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था, भगवान राम ही बचाए मुझे, आप कच्चा चबा जाते हैं। पहले आप सोनिया गांधी जी की डिग्री देख के आइए, जहां वो काम करती थी इटली में, वहां तो पता नहीं कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती थी, उसको भी जरा चेक कर लीजिए। और ऐसा कोई काम नहीं है जो छोटा होता है, मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता हूँ, डॉक्टर का काम भी महान है, और सोनिया जी भी जो करती थी इटली में वो भी अच्छा काम है। वो सिकंजी का वो जो रेडी देख नहीं पाया, मगर मैं जब मनीष भाई ने जब कहा तो मैं सोच रहा था कैसा दृश्य होगा, ठेला सिकंजी और कोका कोला वाला गमछा डाल के, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, मैं पूरा वो सोच रहा था, ऐसे 2 रुपया में 1 ठो कोका कोला, 2 रुपया में 1 ठो कोका कोला।
पूरा ही, मैंने वो पूरा दृश्य अपने मन में सोच लिया, कितना विहंगम। राहुल गांधी जी वाकई बड़े महान है, उन्होंने अपने, इन्होंने चयन चक्षु की बात की, राहुल गांधी जी को मैं नमन करता हूँ, अवश्य उन्होंने दिव्य चक्षु खोल के ये सारे दृश्य देखा होगा कि कोको कोला वाला कैसे वो ठेला, मतलब ठेला शब्द पता है गाँव में इस्तेमाल होता है, और पूरा अटलांटा में ठेला पहुंचा है और वो सब अच्छा हुआ। अच्छा सुनिए, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको सोनिया गांधी कहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम में क्या रखा है, माता पिता ने नाम दिया है एंटोनियो माइनो इतने प्यार से, जैसे अजय बिष्ट नाम दिया है माता पिता ने इतने प्यार से, तो एंटोनियो माइनो भी तो बड़े प्यार से ही नाम दिया है ना, तो इसमें क्या बुराई है, एंटोनियो माइनो तो अच्छा नाम है, सुंदर सा नाम है, इसमें क्या बुराई है, मुझे नहीं लगता सुष्मिता जी इसका बुरा मानती है, माता पिता ने ही नाम दिया है। इसमें कोई बोल नहीं सकता है, चुप। देखिए अखिलेश जी, हम सबको राम जी के नाम पे जेल भेजना चाहते हैं, अरे हम तैयार हैं, जेल में चक्की पिसवा दीजिए, राम के लिए उम्र भर चक्की पीसेंगे भाई साहब, मगर आप ये तो बता दीजिए राम मंदिर वही बनेगा, इतनी हिम्मत रखते हो, असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वही बनेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, वरना नकली हिंदू, इच्छाधारी हिंदू दोबारा यहाँ पर आकर चिल्ला चोट करना बंद कर दीजिए, अगर असली हिंदू हो तो बताओ। देखिए मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर बनाना भैया, बिल्कुल हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है, और सारे बैठ जाइए मौलाना, राम मंदिर को लेके इतना मत चिल्लाइए, शांति से बोलने दीजिए, बैठिए चुपचाप सुन लीजिए, अरे हमेशा राम मंदिर रहेगा, और मौलाना सुनिए, कान खोल के सुनिए मेरी बात, चिल्लाना बंद करिए, बैठिए पानी पीजिए, मौलाना चिल्लाना बंद करिए, बैठिए बैठिए मौलाना, मेरा असली अभी असली चेहरा देखा नहीं है, अभी देखो, अभी बोल रहा हूँ असली चेहरा, देखो देखो मेरा असली चेहरा अभी अभी दिखाया नहीं है, अभी असली चेहरा देखो, देख के जाना इस डिबेट तक, अभी दिखा रहा हूँ, अभी इसी बात के पर ऑन द स्पॉट। जब हम कहते हैं कि इनके पास हर जगह घर है, ये पैसे चुराते हैं, तो कांग्रेस कैसे करती है, अरे अगर है तो जांच करो, सीबीआई जांच करो, सीएजी करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, केस करो, फिर जैसे ही केस हो जाता है तो फिर ये कहते हैं ये बदले की राजनीति है, क्यों जेल भेजा, क्यों जेल भेजा, अरे कमाल है, सुबह तो रोते हैं कि करो 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 करो, जैसे ही कर दिया तो क्यों भेजा क्यों भेजा क्यों भेजा। वाह मोदी जी वाह वाह, वैसी ही हंसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, महिलाएं अगर हंस लें तो आपको आपको तकलीफ होती है, मैंने तो कहा ही नहीं महिलाएं, मैंने कहा किस प्रकार की हंसी है, इसमें महिला वाला विषय कहाँ आ गया बताइए, इनको तकलीफ यही होती है, नहीं अभी हंसी तो मैंने कहा ये किस प्रकार की हंसी है, उसी से बहुत कुछ सोच लिया उन्होंने, उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया अपने आप ही, मैंने कहा ये किस प्रकार की हंसी है, अपने आप सोच लिया कि किस प्रकार की हंसी है बताइए, और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पे थोपेंगे, हम आप पे हंसेंगे, और उतनी तो हंसी है ना, चलिए हम चलिए 1 2 3 4 हंसी ये भी ठीक है, ठीक है चलो हंसते चलो दोनों हंसते चलो दोनों हंसते, ये बढ़िया था, चलो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बिल्कुल, ओ भाई साहब मौज कर दी, ये बढ़िया था, ये एक चीज इनकी खासियत है कि देखो ये बहुत ही मतलब कि सीधी बात करते हैं, जो भी बात होती है, शिशुपाल मत बोल, मत बनो मत बनो, बहुत ना बहुत पैसे बैठ नीचे, फिर इस पे आगे धीरे धीरे बैठ जा, हाँ। उसके वो मतलब कि ये नहीं सुनते आगे वाले कि अगर इनको लगता है कि जो मुद्दा है वो सही हाँ। है तो सही है, स्टैंड लेते हैं और जब फन वे में बात करते हैं तो बहुत ही फनी वे में कर देते हैं, और इनका सबसे बड़ा नाम लेने में क्या दी बताइए, कितना प्यारा सुंदर सा नाम है, हाँ। माँ बाप ने प्यारा नाम दिया है, और वो स्टार्टिंग में था कि झंडा उन्होंने नहीं उठाया था, एक वो जो भाषण की मिमिक्री करी थी याद है, भाषण की मिमिक्री, भारत के नागरिक, वो मिमिक्री करी थी, प्लस वो राम मंदिर को लेके तो बिल्कुल मतलब नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, हाँ। कहते कि ये वो मैं तो खुद बोल रहा हूँ एजेंडा है, हाँ, वो क्या करता है, अगर तुम नकली हिंदू हो तो या फिर हाँ। ऐसे वो इच्छा नहीं इच्छाधारी ऐसे कुछ इच्छाधारी टाइप इस तरीके का, तो तुम रहन दो, अगर तुम बिल्कुल असली हिंदू हो तो ही बोलो, वरना रहन दो तुम बोलो मत, इनकी थग लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, और अगर चाहते हैं इनकी और वीडियोज लेके आए हम जरूर बताने की, डिबेट थी जो डिबेट होती है ना बैठ के, हाँ। इसमें नो डाउट हर एक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे सच बता मुझे हंसी बहुत आती है जो डायलॉग आते हैं ना, जिस तरह के जवाब दिए जाते हैं एकदम से ऑन द स्पॉट एकदम मजा आता है, और इनकी पब्लिक में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी भी, ये वाली बात तो है, बाकी आपका सबसे सेविजेट वाला मोमेंट कौन सा रहा इस वीडियो के अंदर जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।